असलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं बहुत अच्छे से बोलने की कोशिश कर रही हूँ। ये मेरा कोई छठा सातवां टेक है, क्योंकि या तो मेरी डबल चिन बहुत ज़्यादा आ रही है, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही। अब मैं प्रेशर से बोल रही हूँ, अंदाज़ा लगा लो। वैसे तड़कती भड़कती हुई लड़की जब इतना डिम डिम बोलने लग जाए, समझ जाओ कि लड़की बहुत ही क्रिटिकल है, क्रिटिकल है। और लड़की को मौत का फरिश्ता मंडरा रहा था एक दिन पहले, लड़की पता नहीं कैसे बच गई है। खैर, ठंड लगी थी बहुत ज़्यादा और वैसे ही आजकल बीमार रहने लग गई हूँ। और पसीना आ रहा था, कैप की हुई थी, अभी कैप और कैचर उतारा है। थोड़ा जो है ना, मैं दिखा दूँ आप लोगों को, बाल देखो माशाल्लाह कर देना यार, नज़र ना लगाना कसम से। ये चुड़ैल वाली जुल्फें ये मैंने तौलिया उधर बिछ किया है, क्योंकि ना मेरा दरवाज़ा जो है ना लाइक फिक्स बंद नहीं होता है ना, बीच में गैप आ जाता है। मुझे फिक्स बंद करना था, क्योंकि मैं हॉस्पिटल से आई, इंजेक्शन उन्होंने ऐसे ठूसे मुझे इतने ज़्यादा कि मुझे नींद आ गई। लॉक भी नहीं लगा के सो सकती, क्योंकि फिर मैं एकदम से ना बहुत बीमार हो जाती हूँ। किसी को आना पड़ता है मेरे पास, सेपरेट रूम है। इसलिए ये तौलिया लटका के मैंने यूँ पुश कर दिया, फिक्स हो गया, ताकि खोल के आया जाए अंदर। तो है, डॉक्टर ने बहुत सारी दवाई दी है। मुझे दिल कर रहा था कैमरा सामने रखूँ, शूट करूँ। पहले एक डेढ़ दो दिन होश नहीं था, थर्ड डे आज थोड़ा होश आया है। इवन मैं इतनी बीमार थी कि मैं मोबाइल भी नहीं उठा सकती थी, अभी भी नहीं उठा सकती, इसलिए सामने रखा है। कुछ किया मैंने यूँ ना, मुँह इतना बड़ा नहीं आता, ऐसे ना मुँह बड़ा आ जाता। ये देखिए, आई डोंट नो व्हाट टू से, मैं बस बना रही हूँ। एक और चीज़, मैं जब बीमार होती हूँ थोड़ी सी ठंडी है, खांसी आने लगती है। मैं जब बीमार होती हूँ मुझे सिर्फ जूस पीने का दिल करता है, जूस पीने का दिल करता है, जूस पीने का दिल करता है। मुझे बीमार होती हूँ केक और जूस दो, केक भी नहीं खाया जाता, जूस। मेरा जो है ना, मुझे मिनी एस्थमेटिक भी हूँ, बचपन से ना टॉन्सिल्स हो जाते हैं, सांस रुकने लग जाता है, अभी नहीं लेती। तो साथ साथ इनहेलर भी चल रहा है। हाँ, मज़े की बात आप लोग बताती हूँ, मैं हॉस्पिटल गई, एक फ़ोन जिसकी टॉर्च लगाई हुई है आईफोन, दो फ़ोन, टिश्यू पेपर, ये यूँ पकड़े हुए, इधर फ़ोन भी थे। अब डॉक्टर मुझे देख के हंसने लग गया, कहते पूरी बिस्तरा साथ लाई हुई, क्या तैयारी करके आई हो। मैं इतनी अब कि मुझसे जवाब ना दिया जाए, अपनी सांसें इकट्ठी की, मैंने जवाब दिया। मैंने कहा मुझे फ्लू बहुत तेज़ है, इसलिए मैं टिश्यू का डब्बा ये पैकेज साथ ले आई हूँ। और ये देखें, ये मैंने खाली कर दिया दो दिनों में, इधर टिश्यू नीचे भरे हुए थे, उठाए फिर। और ये तो खैर, इस दफ़ा ड्रिप नहीं लगी, इंजेक्शन्स ठूसे हैं। और मैंने सोचा थोड़ा बहुत बना लूँ। और चुड़ैल ने ना अपने बालों को ना मैंने काम नहीं किया हुआ, और अंदर ही पसीना भी आया हुआ है। तो बिल्कुल फ्रेश हैं, मतलब उनको वॉश करने की ज़रूरत नहीं है अभी। और मैं आप लोगों को मज़े की बात बताऊं, मैं बालों को ज़्यादा शैम्पू नहीं लगाती, ये नेचुरली हैं और जेनेटिक हैं, नानके से आ रहे हैं, नानी
उनकी नानी मतलब उनकी मदर्स, मेरी मदर, मेरी खाला, एक ही खाला थी, उनकी डेथ हो गई है। स्टेप्स खाला के बाल नहीं है, वो गंजी हैं सारी। मतलब मेरी जो स्टेप नानू है ना, उनके बाल नहीं है, इसलिए मेरी स्टेप खालाओं के बिन बाल नहीं है। मेरी मामा दो बहनें थी, मेरे नानू की डेथ हो गई थी, तो मेरी मामा और मेरी खाला के बाल बहुत हैं। मेरी खाला की भी अब डेथ हो गई है हमारे पाकिस्तान आने के बाद, और हमारे हैं इवन मेरी नीसेस हैं, दो मेरी भांजियाँ हैं, बड़ी बहन की बेटियाँ, उनके भी बाल नहीं है, तो बस हमारे चले गए। तो टॉपिक कहाँ से कहाँ लेगी अभी भी ना, मुझे है मेडिसिन खा खा के पसीना आ रहा। हालत देखें आप लोग, आपके जो फेस पे स्पॉट नहीं भी होता ना, आईफोन वो भी दिखाता है, पता है आईफोन इतना कोई गंदा कैमरा है। बस एडिटिंग करके अच्छी आ जाती है तस्वीर, पता नहीं लोग यूट्यूब की वीडियो कैसे एडिट करते हैं, आईफोन पे इतने प्यारे प्यारे आते हैं, या तो वो होते ही प्यारे हैं तो प्यारे आते हैं ना। मैं प्यारी तो मैं हूँ, लेकिन प्यारी मैं आती क्यों नहीं हूँ। और मुझे ना, मुझे घर का कुछ खाने का दिल कर रहा है, अभी मैं जाऊँगी कीमा मटर खाऊंगी और फिर दवाई लेके फिर लेट जाऊंगी, क्योंकि ना लेटा जा रहा है ना बैठा जा रहा है, मोटी हो गई हूँ ना, पता नहीं क्या क्या शूट कर रही हूँ मैं, इसको अपलोड भी नहीं करूँगी। बस और की है नहीं ना अकेली। अच्छा तो मुझे दिल नहीं कर रहा था रोटी खाने का, और आप लोगों को पता है कि मेरी आदत नहीं है कोई घर वाले जैसे नॉर्मल खाना खाते हैं वैसे खाने का, तो कीमा मटर बना था और मैंने बर्गर का ये जो बन होता है इसके अंदर सैंडविच बना के खा लिया, मज़े का था। अच्छा जी तो ये बुखार का है, नेक्स्ट डे ये मामा की हाथ की चाय बन रही थी वो लाई हूँ, साथ में दो रस रस जो नॉर्मल रस नहीं होती उसके पीस खाए हैं, दो केक खाए हैं। उसके बाद दिल कर रहा था पानी पीऊँ, लेकिन दोनों बॉटल्स खाली हैं, ये भरने के लिए नीचे वाले फ्लोर पर जाना होगा। फिर मैंने जूस पी लिया, इतनी देर में मेरी बहन एग भी ले आई, तो अभी एग खाते हैं गरम गरम। और मैंने कहा था मुझे हाफ बॉयल चाहिए, यस ये हाफ बॉयल है। जब आप बीमार हो ना, स्पेशली ठंड वाले बीमार, हाफ बॉयल खाओ, बहुत सुकून मिलता है अंदर एक अंडे से ही। तो अब इसको खा लेते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं, और मे भी मैं थोड़ी सी स्किन केयर भी करूँ, मेरी स्किन बहुत ही ख़राब हो गई है, मेरा फेस बहुत ख़राब हो गया, तो आज स्किन केयर भी करेंगे, स्टे ट्यून। शायद मैं आज ऑर्डिनरी की प्रोडक्ट्स यूज़ करके आप लोगों को दिखाऊं, रिव्यू भी दूं, शायद ना करूं कुछ और कर लूं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मेरे पास न्यू पड़ी हुई हैं जो कि मैंने यूज़ करनी है, जो कि अच्छी है स्किन के लिए, साथ साथ आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी रिव्यूज़ वगैरह और सब कुछ। तो अभी मैंने किया है अपने फेस को क्लीन, और मैंने आईब्रो रेजर यूज़ किया है, मैंने अपनी अपर लिप्स और आईब्रोज को फ्रेश किया है, और ये इस तरीके का होता है, ये बहुत अच्छा है और बहुत सेफ टू यूज़ है, आप लोग यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि इससे ना, इसको अभी मैं क्लीन करूँगी ना, ये देखिए इसके अंदर थोड़ी थोड़ी डर्ट आ गई है जो कि कैमरा में ही दिखाई दे रही है ज़्यादा अच्छे तरीके से। तो अभी मैं इसको वॉश करके क्लीन करके रख दूँगी अल्कोहल स्वैप से, और इससे क्या होता है कि हेयर ग्रोथ नहीं आती ज़्यादा। भाई मैंने बहुत रिसर्च की और उसको मैं यूज़ कर रही हूँ पिछले एक डेढ़ साल से, मैं नहीं अपने आईब्रोज और अपर लिप्स धागे से करवा रही, मतलब मैं खुद ही करती थी धागे से बहुत अरसे से, 2 सालों से, बट 1 साल से तकरीबन मैं इसको यूज़ कर रही हूँ और नहीं इससे हेयर ग्रोथ ज़्यादा होती। आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, सेफ टू यूज़ है। ये इसका पैकेट है, तो ये मैंने लिया था मिनीसो से, ठीक है ये करने के, हाँ ये देखें लिखा हुआ भी है क्योंकि मैं भूल जाती हूँ। अच्छा तो ये करने के बाद मैंने ली है कॉटन पैड, और मैंने लिया है टोनर स्किन सक्सेस पॉलीमर्स का, जो कि बिल्कुल बस ख़त्म होने वाला है, रिमूव डर्ट एक्सेस ऑयल इम्प्योरिटीज टाइटन पोर्स एंड अनक्लॉग, टाइटन एंड अनक्लॉग पोर्स। तो ये पोर्स के लिए बहुत अच्छा है जो इनकी एक्नी प्रोन स्किन है और जिनको इरीटेशन एलर्जी हो जाती है,
एक्ने की वजह से वो ज़रूर यूज़ करें, और साथ में ये आपकी स्किन को क्लीन करेगा, डर्ट रिमूव करेगा। डर्ट रिमूव करने के वाजिया है, देखें जी देखें, ये मेरे मुंह से डर्ट निकली है, और ये जो मैंने अभी रिमूव किए हैं ना हेयर, अपर लिप्स, आईब्रोज, तो ये देखें ये वो हैं। तो देखें फेस पे इतना गंद जमा होता है जो कि नहीं निकलता खाली फेस वॉश से। तो मैंने ना ये बॉक्स था, इसके तो वाइप्स ख़त्म हो गई थी, मैं इसको अब इतनी जान नहीं पची कि मैं इसको खोलूँ। अच्छा जी देखें, मैं इसको भर भर के रखा हुआ है, भर भर के रखा हुआ है, दो तीन चार चार किस्म के इसके अंदर हैं, ठीक है, डिफरेंट मिलाती हूँ। ये देखें ये अलग है, ये अलग है, और नहीं ये एक ही है, चौथी किस्म वाली बस एक दो ही बची हैं, वो ये हैं, ठीक है, एक दो तीन और ये चार, ठीक है, रख लें कोई भी अच्छा सा टोनर जो आपको सूट करता है, जो भी है रख लें। ये रख लें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ड्राई स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं, मेरी एक्सट्रीमली ड्राई स्किन है बट मैं ये यूज़ करती हूँ, एस्ट्रिंजेंट है, बहुत अच्छा है। अब इसकी दूसरी साइड भी यूज़ कर लूँगी फेस पे, और ज़रूरत पड़ी तो एक और भी यूज़ कर लूँगी। मैं बस आप लोग को दिखाने वाली थी कि बीमार हो या जो कुछ भी हो, घर से निकल रहे हो नहीं निकल रहे, अभी मैं घर में ही थी, और देखें फेस के ऊपर से कितना कचरा उतरा है, और अभी मेरी स्किन बहुत अच्छी ग्लो कर रही है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देख सकते हैं आप लोग मेरी स्किन, इससे ना एक अलग सा ग्लो आ जाता है, ये मेरे पिंपल्स के स्पॉट्स हैं। अच्छा जी फ्रेंड्स, तो ये देखिए मेरी स्किन ग्लो कर रही है, अपर लिप्स रिमूव हो गए, आईब्रोज भी नीट कर ली, नीचे नीचे से क्यों ऊपर से निकली, और ये देखिए पिंपल्स, ये जो मुझे टॉन्सिल्स हो जाते हैं, रेशा हो जाता है, इसकी वजह से मुझे बहुत दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। ड्राई स्किन के ऊपर पिंपल्स निकले ना फिर निशान रह जाते हैं, वरना मेरी स्किन बहुत प्यारी है, बेबी स्किन है, बच्चों वाली। लाइक मैं आप लोगों को ना अपना ड्रॉ दिखाती हूँ, ये देखें ये मैंने लेके रखा था कि इससे मैं फेस पे मसाज किया करूँगी, कॉन्टोर है ये, बहुत अच्छी चीज़ है, क्या ये फेशियल रोलर है, और ये आइस के लिए भी है, आइस मतलब आंख आंखें। अच्छा इसको इधर रख देते हैं, और विटामिन सी मैंने लेना शुरू की थी, अब मैं नहीं ले रही। अच्छा मैं क्या दिखाने लगी थी, हाँ ये तो मैं ना ये यूज़ करती हूँ, ये मुझे बहुत सूट किया था स्किन प्राउड, बट ये ख़त्म हो गए हैं, बस दोनों में एक एक दो दो पंप होंगे, ये मैं डे वाला यूज़ कर लेती हूँ। और ये देखें ये कितना क्यूट है, फैन ब्रश, फेस पे डस्ट वगैरह पड़ जाए ना, ये आप लोगों ने लूज़ पाउडर लगाना हो तो उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और ये मैं फिंगर स्पंज लाई थी फेस वॉश के लिए, इसको गीला करके इसके ऊपर फेस वॉश लगा के, ये जगह है इधर फिंगर घुसा के, तो इसको आप लोग रब करके फेस वॉश कर सकती हो, इसका भी डेमो दूंगी आप लोगों को, फिलहाल मैं स्किन पे ये लगा लूँ। तो मेरी हालत इसलिए उजड़ उजाड़ है क्योंकि मैं तीन दिनों से एक्सट्रीम बीमार थी, जैसे कि आप लोगों को शुरू में भी बताया है, तो तीन दिनों से इन बालों को कॉम नहीं की, हिम्मत हुई तो करूँगी वरना जूड़ा बना दूँगी, क्योंकि मेरे जो है ना बाजू जवाब देखिए, अभी लगाते हैं हम लोग स्किन केयर, थोड़ा सा बचा इसके अंदर, मुझे ये बहुत पसंद है, मुझे ओ तो जब भी आप फेशियल के ऊपर से ना लाइक क्लिनजिंग करें, स्क्रबिंग करें, फेशियल करें, या आप अपना थ्रेडिंग प्लकिंग कराएं, तो अच्छा सा सीरम मस्त लगाएं जो आपको सूट करता हो, मुझे बहुत बहुत सूट करता है। और फेस बहुत ब्लैक हो गया है, हाथ बहुत ब्लैक है, अंदर से हम लोग होते हैं चिट्टे गोरे, ऊपर से हम लोग मुसली लग रहे होते हैं, पता नहीं क्या सीन। और कुछ लड़कियां इतनी लकी होती हैं, मैंने देखा है कि फेस इतना काला होता है, हाथ गोरे होते हैं उसके, और मेरी स्किन सेंसिटिव है, ये तो रंग ही बदलती रहती है।